से बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम अपना परिचय बताते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मेरा हेडक्वार्टर मधुबनी है, हम लोग आरोग्या परिवार नोवार्टिस से हैं और हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। तो हम लोग इससे पहले जो भी कहानी रहा हो, अभी नया टॉपिक मेरे पास अभी नहीं आया है, तो हम लोग उसी को रिमाइंडर करेंगे और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो मेरा टॉपिक है वास का ही टॉपिक है, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग को थोड़ा यहाँ काम किए हैं जी, पॉलीपोर्शन कीजिए वो कर लेंगे लास्ट में, पहले नहीं है लास्ट में, आज पहले आप काम किए। इनको पहचानते हैं आप लोग? यस सर। किस टॉपिक पे आप लोग से बात किए हैं पिछले बार आए हैं? तो वास पर। उसमें गांव का नाम कौन सा है? स्टोरी में गांव का नाम कौन सा है? नहीं, मोहली नाम का एक गांव होता है, समझ गए। चलिए आप लोग को बताते हैं पुनः। वेट, इतने जल्दी मत कर खराब। उसमें जो धुआं माता जी जिसके पास है, उस लड़का का नाम क्या है जिसको धुआं लग रहा है, खांसी हो रहा है, क्या नाम है वो लड़का का? बोलती बात समझती है पर बताती क्यों नहीं है। बोलते पुनः आप लोग को, देखिए जब समझते हैं कोई चीज तो उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको बोल देना है, समझ गए। तो हम लोग बताते हैं कहानी के माध्यम से। देखिए, वेलकम टू मोहली विलेज। मोहली नाम का क्या होता है? एक गांव होता है, जैसे अपने लोग का एक कनकपुर गाँव है, उस गाँव में एक विद्यालय हुआ करता है, जैसे अपने लोग के गाँव में विद्यालय है, उस विद्यालय में एक शिक्षिका हुआ करती थी जिसका नाम विद्या जी रहता है। विद्या मैडम बच्चे लोग को कुछ पाठ पढ़ाती है एनवायरमेंट एंड हाइजीन के बारे में, पर्यावरण की सुरक्षा हम लोग किस तरीका से करेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी देती है। उसी विद्यालय में एक 10वीं क्लास का लड़का रहता है जिसका नाम रवि रहता है। रवि जब स्कूल में आखिरी घंटी बजती है तब अपने घर जाता है, तो उसकी माँ क्या कर रही है, और ये क्या भरा हुआ है? धुआं। जब कमरे में रवि प्रवेश करता है तो उनको क्या होता है, खांसी होने लगता है। रवि अपनी माँ की तरफ देखता है तो उसकी माँ भी खांस रही होती है, उसके माँ के आंख से आंसू भी निकल रहा होता है। तब रवि जो है सो अपनी माँ को बताता है कि माँ, आज हमारे विद्यालय में जो पाठ पढ़ाई गई थी पर्यावरण की, जिसमें LPG गैस और स्टोव के बारे में कुछ बताया गया था, तो हम लोग अगर उस पे खाना बनाएंगे तो वो धुआं रही चूल्हा होगा, धुआं भी नहीं निकलेगी और धुआं से जो सांस संबंधित बीमारी होती है वो भी नहीं होगा, तो क्यों ना हम लोग LPG गैस या स्टोव ले ले। तो इसके बाद जो है सो इसकी माँ बताती है, पिताजी को आने दीजिए, फिर हम लोग विचार करेंगे। अगले दिन जब इनके पिताजी आते हैं तो रवि कहाँ जाने के लिए तैयार है? स्कूल। जब रवि बस्ता लेके तैयार रहता है स्कूल जाने के लिए, उस समय भी इसकी माँ खाना बना रही होती है और इनके पिताजी को क्या होता है, खांसी होने लगता है। तब क्या होता है, रवि बातें बताता है, वही बातें जो माँ को बताया रहता है कि अगर हम लोग LPG गैस या स्टोव पे खाना बनाएंगे जिससे धुआं भी नहीं निकलेगी और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्यों ना हम लोग ले लें LPG गैस या स्टोव। तो इसके पिताजी बताते हैं, ठीक है, हम तो उतना, हमारा आर्थिक स्थिति नहीं है ठीक, हमारे पास पैसा कोई उतना नहीं है कि हम लोग गैस ले सकते हैं। हम ग्राम के जो प्रधान है, वार्ड सदस्य है, काउंसलर के जो भी मेंबर है, उसके साथ एक बैठक करेंगे। फिर क्या होता है, उस गांव में एक बैठक बुलाया जाता है और उस बैठक में जितने भी उस काउंसलर के मेंबर होते हैं सभी को इकट्ठा किया जाता है। वहां पे मुखिया जी को जब बोलते हैं वो कि अगर हम लोग को अगर गैस उपलब्ध हो जाए तो हम लोग जो जलावन पे खाना बनाते हैं उससे जो धुआं निकलती है, सांस संबंधी बीमारी होती है, वो भी नहीं होगी। तो मुखिया जी बताते हैं कि अगर सभी को फ्री में गैस देना संभव है, संभव नहीं है। तब क्या वहाँ पे शिक्षिका जी बताती है, क्यों ना हम इस गांव में एक प्लांट का निर्माण कर दे, गोबर से हम लोग क्या बना सकते हैं, बायोगैस उत्पन्न करके आसानी से खाना बना सकते हैं। तो वहाँ पे बताती है अगर प्लांट का निर्माण हो जाएगा तो सभी को सस्ते दरों पर गैस उपलब्ध हो जाएगी। तो इनके बातों से सहमत हो जाते हैं और 2 दिन का समय लेते हैं। अगले दिन रवि क्या होता है, घर के अगल बगल या स्कूल परिसर में या क्लासरूम में कहीं भी अगर कूड़ा कचरा देखता था तो क्या होता था, डस्टबिन में डाल के और अच्छी तरीका से साबुन से हाथ को धो लेता था। मटके का पानी कैसा होता है पता है आप लोग को? ठंडा भी होता है और स्वच्छ होता है। हम लोग मट्टी के बर्तन में अगर कोई भी खाना पकवान बनाते हैं तो वो थोड़ा सुगंध अजीब टाइप का लगता है, मतलब खाने में भी टेस्टी हो जाता है।
तो वैसे ही मटके में पानी रख के पीने से स्वास्थ्य संबंधी जो हम लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं, जैसे सर्दी खांसी का शिकायत जिनको रहता है, उसको अगर इस तरीके से मटके का पानी हम लोग वैसे गर्मी में पीते ही हैं, ठंडी में बहुत कम, नहीं के बराबर गर्मी में, लेकिन रेगुलर देखिएगा गांव-गांव में आपको सुराही मिलेगा, घैला नहीं कुछ ऐसा मटका, तो घैले में अपना पानी रख के पीते हैं ताकि ठंडा रहे। तो हम लोग मटके का पानी प्रयोग करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदे होती है। उसके बाद यहाँ पे चार महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जैसे क्या हम लोग तालाब में कभी भी पोलोथीन टाइटिन डब्बा ये नहीं फेंकेंगे, उससे क्या होगा मेरा जल दूषित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मवेशी को नहीं धोएंगे जिससे मेरा पानी जो है सो गंदा हो। उसके बाद मैला कपड़ा नहीं खींचेंगे, हमेशा क्या करेंगे शौचालय का उपयोग करेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर दो दिन के बाद जो सर क्या होता है, यहाँ पे एक बैठक बुलाया जाता है पुनः उस गांव में, और वहाँ के गांव के जितने भी मेंबर रहते हैं वो खुश हो जाते हैं कि हमारे गांव में प्लांट का निर्माण हो रहा है। तो गांव में क्या होता है एक प्लांट का निर्माण किया जाता है, उस प्लांट में गोबर कहाँ डाला जाता है, यहाँ गोबर डाला जाता है, और इसमें क्या होता है गैस उत्पन्न होती है, और पाइपलाइन के द्वारा क्या होता है यहाँ पे कनेक्शन मुहैया हो जाती है, और सभी को सस्ते दरों पे उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें भी तो खर्चा लगता है लेकिन कम लगता है, तो सस्ते दरों पे हुआ। अगर सभी को एक एक गैस देना चालू करे फ्री में तो संभव ही नहीं था। तो यहाँ पे एक प्लांट का निर्माण हो जाता है और सभी को सस्ते दरों पे गैस उपलब्ध हो जाती है। उस गांव के लोग बड़ी खुश हो जाते हैं, चलिए हमारे गांव में प्लांट का निर्माण हो गया। और साथ ही क्या होता है गोबर का उपयोग और क्या चीज के रूप में हम लोग करते हैं, खेतों में खाद के रूप में छिड़काव करते हैं। उसके बाद गोबर को किस तरीका से ढक के रखेंगे, इस तरीका से गोबर को ढक के रखेंगे ताकि अगर रोड पे हम अगर रोड के किनारे जाते रहते हैं तो क्या होता है देखते हैं गोबर का ढेरी लगल रहता है, उसको क्या होगा जब बारिश का पानी होगा तो वो बिखर जाता है और वहां पे क्या होगा गंदगी का माहौल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, तो उसमें जो कीड़ा पनपा रहता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि महामारी के कारण ही क्या होती है बीमारियां होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। तो इस तरीका से हमको गोबर को ढक के रखना चाहिए। उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने माता पिता से बताते हैं कि घर के अगल बगल साफ सफाई करके रखनी जरूरी होती है, क्योंकि हमारे विद्यालय में पाठ में पढ़ाई गई थी कि घर के अगल बगल हम लोग अगर साफ सुथरा करके रखेंगे तो महामारी जैसी बीमारी जो होती है वो नहीं पनपेगी, वो नहीं होगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इनके बातों से इनकी दादी माँ जो होती है वो बहुत अस्वस्थ होती है कि चलिए हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं कुछ हमें भी बताते हैं और हम लोग उसका अमल करते हैं और हम अपने घर के अगल बगल साफ सफाई करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है सभी बच्चे अपने अपने विद्यालय समय से जाने लगते हैं। इसके लिए चार महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे क्या नीला वाला डस्टबिन कौन सा है, ये नीला वाला सूखा कचरे का, ठीक, सूखा कचरा माने तो हम लोग क्या करते हैं कागज का टुकड़ा हुआ, देखिए हम उससे पहले आए थे तो नहीं था कागज का टुकड़ा, आज पर हम कागज का टुकड़ा सब देख रहे हैं कहीं कहीं, ऐसा रहना चाहिए नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे इस डस्टबिन का उपयोग करेंगे, अगर डस्टबिन उपलब्ध नहीं है तो बाहर में कोनो साइड में अपना फेंक देंगे, वहां से अपना सफाई कर्मी आएगा अपना लेके चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ये क्या कौन सा कचरे का डिब्बा है, गीला कचरा, मान के चलिए हमारे विद्यालय में जो भोजन बनता है, भोजन तो मिलता है सभी को मिलता है ना, यस सर, उसमें जो अगर बच जाता है मान के चलिए अधिक ले लिए हम, अगर खाना उतना नहीं खा सकते हैं तो वो बच जाएगा तो उसको कहाँ फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे या तो बाहर में फेंकेंगे तो कोनो साइड में फेंकेंगे जहां से हमें क्या हो गंदगी का माहौल ना हो, तो वहां पे हम लोग फेंकेंगे और ज्यादातर हम लोग डस्टबिन का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद डस्टबिन का प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे अच्छी तरीके से साबुन को हाथ धो लेंगे। उसके बाद शौचालय कैसा उपयोग करेंगे, साफ सुथरी शौचालय का उपयोग करेंगे। उसके बाद जल कैसा होना चाहिए, तालाब को हम लोग गंदगी नहीं करेंगे, कई ऐसा राज्य है जहाँ अभी भी क्या होता है जल क्या कहते हैं तालाब का पानी पीते हैं या नदी का पानी छान करके पीते हैं, यहाँ भी लोग आए हैं क्या करने पानी पीने के लिए भरने के लिए आए हैं देख रहे हैं, तो हम लोग को तालाब को गंदगी नहीं करना है, वातावरण को स्वच्छ रखना है। तो हम लोग इसी तरीका से कहानी के माध्यम से बताते हैं आप लोग को कहानी कैसा लगा। अच्छा।